ये रुकिए, यहाँ पर एक एप्पल का ट्री मिल गया है जहाँ पर बहुत सारे एप्पल। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हरसिल की तरफ, गंगोत्री जा रहे हैं एक्चुअली, और बीच में हरसिल पड़ेगा। और मेरे पीछे जो देखे वो पूरा एप्पल, देखिए ये पूरा जो एप्पल है बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वाओ, पेड़ के नीचे भी बहुत सारा एप्पल गिरा हुआ है। और ये देखिए एप्पल, डाको तो एक दिन एप्पल देने जो ये वाला एप्पल अगर हम लोग तोड़ के अगर खाते तो बहुत ही इसमें रस ज़्यादा मिलेगा। हम लोग को उधर जो एप्पल मिलता है वो बहुत दिन के बाद पहुँचते हैं, तो ये एप्पल टोटली फ्रेश है। तो यहाँ पर सामने जो एप्पल के जो बागान में जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं, देखते मांगते हैं, अगर वो लोग देते तो हम लोग तीन है एप्पल अगर मांगते हैं, अगर वो लोग देंगे तो खाएंगे। भाई जी दो तीन दे दो, हम लोग पैसे दे देंगे। भाई जी दो तीन दे दो, पैसे दे देंगे। इतना दूर से आया, कल आएगा तो हो गया। तो ये लोग एप्पल तोड़ रहे, तो हम लोगों ने दो तीन मांगा लेकिन नहीं दे रहे। वही लोग एप्पल पत्ते से पूरे वीडियो पर भी, तो ये लोग सेब तोड़ रहा है, ये लोग एप्पल जो तोड़ रहे हैं उनसे हम लोग एप्पल मांगा दो तीन लेकिन नहीं दे रहे क्योंकि इनसे कोई खरीद लिया है, बगैर खरीद लिया तो एप्पल का जो बगैर है पूरा खरीद लिया, तो वो लोग नहीं दे सकते। तो सामने अगर होटल मिलेगा तो यही का जो सेब है वो ये मतलब होटल में मिलेगा शॉप में, देखते पेड़ में पूरा सेब पकड़ा हुआ है। फोटो साथ फोटो ले, यहाँ पर मेरे पीछे जो पेड़ है उसमें बहुत सारा एप्पल है। हम लोग हरसिल के तरफ जा रहे हैं, अभी यहाँ से हरसिल 5 किलोमीटर बाकी है और गंगोत्री है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो पीछे जो साइड मेरे जो लेफ्ट साइड है वहाँ से गंगा रिवर बह रही है। यहाँ का जो पेड़ है उसकी वजह से जो सीनिक व्यू आ रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है रिवर, मई में इधर से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, बर्फ ही बर्फ रहता है इधर, बर्फ पे ढेर खतरा रहता है। लेकिन एक दिन आगे दिखाऊंगा मैं आपको, हम पहुंचने वाले थे हमसे पहले ही ना, ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का पहाड़, वो स्लाइड आके गिरा, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, पेड़ पहाड़ सब तोड़ देते, अब लगा लो इतने मजबूत पेड़ तोड़ देते तो गाड़ी क्या चीज है, एवलांच बोलता है इसका। बहुत ज़्यादा, फिर वो जेसीबी आई, वो आया उसने हटाया काटा, फिर बर्फ को काटा, फिर जाके गाड़ियाँ निकली, इधर से बसाया है इधर को। अच्छा, वार हुआ था ना इधर को बसा दिया था, और उसके आगे हरसिल हो गया स्टार्ट। हरसिल यहाँ से 2 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे एप्पल की पैकिंग हो रही, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हरसिल, वो सामने है हरसिल का गांव, दिखेगा आप लोगों को। तो ये रोड बहुत ही छोटा है, तो एक गाड़ी क्रॉस करने के लिए साइड देना पड़ता है। तो इधर आर्मी रहता है सब, वो भी ऊपर खाला बॉर्डर पे चले जाता है सीधे, समझ गए, उधर लेकिन पैदल पैदल जाना पड़ता है। ये जो बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ से भी खाला दिख रहा है,
ये वाला गांव हरसिल गांव है ना। सात दिन में कोई कोई उसका पूजा करता है बद्रीनाथ में। हाँ राय होते हैं, राय बद्रीनाथ केदारनाथ के दोनों वही हैं। साउथ इंडियन है, राय राय होते हैं ना राय, जो जो राय परिवार में जनेऊ लेके पैदा होगा ना, जनेऊ का निशान लेके पैदा होगा ना, वो उधर के पंडित बनते हैं। ये बहुत रेयर केस होता है, कोई कोई पैदा बहुत कम पैदा होता है, जो पैदा होता है उसको उधर का बना देते हैं। होना भी राय पर जनेऊ का निशान होना चाहिए। जनेऊ मतलब काला वाला नहीं, जनेऊ पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, धागा सा पहनते। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई का कोई का बोलते हैं। अच्छा तो उसका निशान मतलब शरीर में होना चाहिए, होना चाहिए बॉडी पे, ऐसे बोलते हैं। है ऐसा होता है? हाँ ऐसे ही होता है, अभी रहते हैं ऐसे। ये है थराली, यहाँ पे मतलब रुकते हैं टूरिस्टों का रुकने के लिए है ना, मतलब होटल वगैरह है ऐसे। ऊपर तो है नहीं इतने, यही है गंगोत्री में नहीं है, यही पे है। ये एक छोटा सा गांव है जो हरसिल के आगे पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहे चाय ब्रेक के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वो जो बागान से जो एप्पल तोड़ते हैं वो ये लोग बेचते हैं। ठंड बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ से जो व्यू दिखाई देते वो देखिए कुछ इस तरह सा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये ऊपर में जो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं ये केदारनाथ से आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे और सामने ही एप्पल का जो बागान है वो है, थोड़ा ऊपर आए हम लोग एप्पल बागान देखने के लिए। और ये है चाय, ठंडे में चाय बहुत पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितने भी सामान लिया जाता है ये घोड़ा या खच्चर से लिया जाता है। ये जो घोड़े जा रहे हैं इनमें इनमें पत्थर है जो ऊपर काम के कोई काम करेगा तो उसी लिए घोड़े पे पत्थर रोक रहे हैं। तो हम लोग का गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सेब का जो बागान है वो घूमने जा रहे हैं। ये जो बागान है पूरा ही सेब का बागान है। हरसिल जो शहर है वो वाला है क्या? मुखवा है। मुखवा इससे ऊपर है हरसिल? नहीं हरसिल तो पीछे छोड़ गया, आपको 3 किलोमीटर पीछे। अच्छा रोड जाते हैं से। देख सकते हैं आप एप्पल का जो पेड़ है, इसमें एप्पल है और ये भी देखिए कितना सारा एप्पल है। ना ना हाथी बोला, तो हमने उनसे पूछा कि हम देख सकते जो बागान है, तो उन लोगों ने कहा हाँ देख सकते लेकिन कोई एप्पल तोड़ना मत। यहाँ पर ये भाई साहब एप्पल तोड़ रहा है, एक दीजिएगा। चलो ये एप्पल मिल चुका है एक पेड़ से तोड़ा हुआ। तो दो तो वो भाई साहब ने मुझे एप्पल दिया है, तो देखता हूँ ये पेड़ से तोड़ा हुआ एप्पल का टेस्ट कैसा होता है। मिठास बहुत ही ज़्यादा है और मुंह में देते ही एक रस भर चुका है। तो यहाँ पर जो एप्पल तोड़ के रखा है इसके बाद नीचे ले जाएगा और बाद में पैकिंग होगा इन सब की। परेशान पानी चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये भैया लोग एप्पल तोड़ रहे हैं, कुछ बंदे पेड़ के ऊपर है और एक बंदे नीचे है जो रस्सी के द्वारा बैग को देते और वो लोग तोड़ते उसके बाद फिर से रस्सी के द्वारा नीचे भेज देते और ये भैया उसको यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए जो एप्पल का जो बगान है, इसमें हम लोग चाहे तो तोड़ सकते हैं लेकिन नहीं तोड़ेंगे क्योंकि एक भैया ने दिया है वही काफ़ी है। यहाँ पर चारों तरफ ही एप्पल का एप्पल है, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भैया है और एक एप्पल दिया है खाने के लिए, उन्होंने से बात किया, बात करके अच्छा लगा और खाने के लिए भी एप्पल दिया है, हम तीनों को ही एक एक करके दिया है खाने के लिए। ये दीजिए, ये है मेरा एप्पल, बहुत बढ़िया है और ये अमिता का एप्पल है, खा के टेस्ट करके देखिए कैसा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत रसीला है। ठीक है चलो, ओके भैया, थैंक यू। सर साहब अगर कभी आना हो अच्छा फेसबुक तो चलाते होंगे। उत्तम ट्रैवलर, उत्तम ट्रैवलर, उत्तम ट्रैवलर, ट्रैवलर ट्रैवलर, उत्तम ट्रैवलर, तो सर्च करके देखिएगा। हाँ, पूरा चारों धाम का वीडियो मिलेगा आपको। ओके सर, बाय। ओके बाय। हाँ ऊपर में ऊपर से सिप तोड़ रहे हैं, जंगती जाएगा। आप क्या आदमी भांगर क्या लगेगा सर? रिया कर दिया तो बांधने को यार, जब जो खाली होता भी तो बांध लो। अभी तो एप्पल का सीजन खत्म होने वाला है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इसको भी ना झोले के अंदर पैक करके ले जाओ तुम, ये किसी काम का नहीं है नीचे। अच्छा ये वाला, ये मोटा जहाँ पे हम लोग हैं अभी, वहाँ से जो व्यू मिल रहा है ये देखिए कुछ इस तरह का। और यहाँ पे चल रही एप्पल बागान में फोटो सेशन, साइड दीजिए, आइए ना आइए। जो स्टेप जो सेप स्टोर करके रखा है, ये जो दीदी लोग हैं ये लोग यहाँ से नीचे लेके जाएगा। और हम लोग का गाड़ी जो है वो नीचे है और हम लोग सेब बागान में आए थे यहाँ पर ऊपर। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सेब बागान में घूमे और वहाँ से सेब वो भैया लोगों ने दिया है खाने के लिए और फोटो शोटो किया, वीडियो भी बनाया। और पहले जिससे मांगे थे वो लोग ने एक भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर वो लोग खुद ही दिया है। अच्छा था, अच्छा लगा, इनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, शायद गाड़ी अब तक बन चुकी होगी कि पंचर हुआ था, इसके बाद जाएंगे हम लोग गंगोत्री। अगर ये एप्पल बागान वाला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। छुरी नहीं देता है, जाने नहीं देता है, बोले तो हमको तो कितना प्यार किया। अच्छा, रोड रोड साइड पे होता है ऐसा है। हाँ। रोड पे मैं बताता आपको सच्ची बात क्या है, रोड पे ना दिन भर में कई आते हैं तो इसलिए वो कितनों को तो देंगे। हाँ। हाँ। ये ऊपर थोड़ा दे देते हैं। हाँ। हाँ। वो लोग से बात किया, बहुत अच्छा लगा बात करके। अरे वो लोग बोला ले जाओ खाओ, ले जाओ खा लो। हम लोग बोला क्या है, दो दिया है। अच्छा अच्छा लगा, फिर एक जगह और दिया। रोड साइड पे ये है कि दिन भर में आप एक गाड़ी रुकेगी दूसरा रुकेगा। वो बात सही बात है। सच में दो लोग कितना देगा? ये जो गांव है, कौन सी गांव है ये? ये थराली है, वो सामने मंदिर है, सेम ऐसी मंदिर है ऊपर। अच्छा, नदी का गंगोत्री माता, गंगोत्री माता का मंदिर यहाँ पर पूजा होता है 6 महीना। जब वहाँ पर ठंड गिरती है, बर्फ गिरती है तो इस गांव में ले आते हैं, उनको पूजा करते हैं।